प्रशासनिक अधिकारियों व ठेकेदारों का गठजोड़, खुलेआम अरखा एस डाइक पर होती है राख की ओवरलोडिंग। अरखा गांव के निकट स्थित है एनटीपीसी का एस डाइक। यातायात प्रभारी के संरक्षण में खुलेआम अवैध तरीके से वाहनों में ओवरलोडिंग का कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि वाहनों में राख की ओवरलोडिंग का कार्य अरखा एस डाइक पर करवाया जाता है। गौरतलब की एनटीपीसी की ऊंचाहार इकाई ने अपने संयंत्र क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर अरखा गांव के निकट एस डाइक बनाया है, जहां पर बड़े पैमाने पर राख इकट्ठा होती है। इसी राख को ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाता है, जहां मनमाने तरीके से राख की गलत तरीके से वाहनों में ओवरलोडिंग कार्य करवाया जाता है, जो खुलेआम लखनऊ प्रयागराज हाईवे से वाहनों को प्रशासन के नाक के नीचे से शहर के बाहर पास करवाया जाता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन व यातायात प्रभारी की मिलीभगत से राख ओवरलोडिंग का बड़े स्तर पर खेल खेला जा रहा है। एनटीपीसी के अरखा एस डाइक से हो रही राख की ओवरलोडिंग प्रकरण की जांच क्षेत्रीय लोगों ने अधिकारियों से शिकायत करके मांग की है। बताया जा रहा है कि प्रकरण की गोपनीय जांच भी करवाई जा रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रकरण को लेकर जिम्मेदार कितना संजीदा होते हैं। रायबरेली ऊंचाहर से सारस में लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।